चारा घोटाले में दोषी पाए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित सभी दोषियों को आज सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के निधन के कारण आज सजा नहीं सुनाई जा सकी। अब सभी दोषियों को लालू प्रसाद यादव सहित कल सजा सुनाई जाएगी। बिहार के चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट अब सजा पर सुनवाई गुरुवार से करेगी। दो वकीलों के निधन की वजह से बुधवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई नहीं हो सकी। रांची के सीनियर एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में 16 लोग दोषी हैं। आरोपियों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जज के सामने आएंगे। ऐसे में मुमकिन है कि लालू को गुरुवार नहीं तो शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। घोटाले मामले में लालू और बाकी दोषियों को मैक्सिमम 7 साल और मिनिमम 1 साल की जेल हो सकती है। 23 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं। चाईबासा ट्रेजरी केस में उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाकी 5 केस पर सुनवाई चल रही है। 950 करोड़ के चारा घोटाले में ये 33वां और लालू से जुड़ा दूसरा फैसला है। रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, राजद प्रवक्ता मनोज झा, आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। इनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार ने 1991 से 1994 के बीच मवेशियों की दवा और चारा खरीदने के लिए सिर्फ 4,07,000 रुपए ही पास किए थे, जबकि इस दौरान देवघर ट्रेजरी से 6 फर्जी अलॉटमेंट लेटर से 89,04,413 रुपए निकाले गए थे, जिसके चलते लालू पर केस चल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव को कितने साल की सजा होती है।